हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदा आर्ट्स इंडिया। डेकोरेटिव मिरर के सेकंड पार्ट में आज हम सीखेंगे ग्लास पेंटिंग करना और मीनाकारी वर्क करना। जिन्होंने मेरे वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एंड रियली थैंकफुल टू योर लवली रिस्पॉन्सेज एंड लाइक्स। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आपके जो डाउट्स और क्वेरीज हैं उसे कमेंट सेक्शन में डालें, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम ग्लास कलर अप्लाई करेंगे। मैंने फेदर्स के लिए होराइजन ब्लू और टर्कोइज ग्रीन यूज किया है। ये सॉल्वेंट बेस्ड कलर्स हैं। आप अगर बिगनर हैं तो वाटर बेस्ड कलर से ही स्टार्ट करें। कलर्स एकदम लाइनर के साथ साथ फिल करें, हमें कोई भी स्पेस नहीं छोड़ना है। बबल्स ना आए इसके लिए नोजल सरफेस से टच करते हुए कलर अप्लाई करें। ऐसे ही हम फेदर्स के पूरे पोर्शन को फिल कर लेंगे और बबल आने पर उसे टूथपिक से धीरे से रिमूव कर लेंगे। हमें बॉटल के नोजल को हमेशा क्लीन करते रहना है और ऐसे ही हमें सेकंड पीकॉक के फेदर्स को भी कंप्लीट कर लेना है। मिडिल फेदर के लिए हम टर्कोइज ग्रीन यूज करेंगे जो कि सॉल्वेंट बेस्ड है। आप चाहें तो एमरल्ड ग्रीन भी यूज कर सकते हैं जो कि वाटर बेस्ड कलर है। पीकॉक के छोटे फेदर्स के लिए मैंने टर्कोइज ग्रीन ही यूज किया है। जहां नोजल नहीं पहुंच रहा हो वहां टूथपिक या ब्रश से कलर फिल कर दें। पेंटिंग के बाकी हिस्से में मैंने रूबी रेड कलर यूज किया है। ये कंट्रास्ट कलर हमारे पिकॉक के डिजाइन को हाईलाइट करने में मदद करेगा और हमारे डिजाइन को बहुत ही खूबसूरत बनाएगा। आउटर मार्जिन्स के लिए मैंने किंग ब्लू कलर यूज किया है। आप चाहे तो कोई भी डार्क कलर यूज कर सकते हैं। अब हम क्रिस्टल वर्क करेंगे जिसे मीनाकारी या कुंदन वर्क भी कहते हैं। इनको स्टिक करने के लिए आप फेविकॉल या ग्लास कलर कुछ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने सेंटर में बड़ा क्रिस्टल यूज किया है और धीरे धीरे उसका साइज डिक्रीज करती गई हूँ। आप चाहें तो इसमें एक ही साइज के कुंदन यूज कर सकते हैं, वो भी उतना ही खूबसूरत लगेगा। फेदर्स के सारे पोर्शन को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। अब हम पीकॉक के मेन बॉडी को डेकोरेट करेंगे। इसके लिए मैंने बहुत छोटे साइज के क्रिस्टल्स यूज किए हैं क्योंकि डिटेलिंग के लिए मुझे यही साइज सबसे सही लगा। ऐसे ही हम दोनों पीकॉक में मीनाकारी वर्क करेंगे। बहुत इजी है ये वर्क करना, आपको बस पेशेंटली ये काम करना है। इस पार्ट में राइस पर्ल्स और कुंदन से एक डिजाइन फॉर्म किया है। आप कोई और डिजाइन के पर्ल्स भी यूज कर सकते हैं। स्पेस के हिसाब से मीना या पर्ल सिलेक्ट करना चाहिए। राइस पर्ल से ये और भी खूबसूरत लग रहा है। जैसा कि मैंने कहा, डिजाइन के हिसाब से पर्ल्स प्लेस करने हैं। यहाँ पे मैंने चार तरह के पर्ल्स यूज किए हैं। स्पेस के हिसाब से पर्ल्स को एडजस्ट करें। आप इसकी जगह क्रिस्टल भी यूज कर सकते हैं। क्रेस्ट या कलगी में मैं क्रिस्टल यूज कर रही हूँ।
नीचे के फेदर्स के लिए राउंड और राइस पर्ल्स यूज किया है। ऐसे ही हम दोनों साइड के फेदर्स कंप्लीट करेंगे। यहाँ मैंने रेड ड्रॉप शेप कुंदन यूज किया है जो इस डिजाइन को हाईलाइट कर रहा है। अब हम कॉर्नर्स डेकोरेट करेंगे, जिसके लिए मैंने बड़े क्रिस्टल्स यूज किए हैं। ये डिजाइन इस पेंटिंग को फिनिश लुक देगा। हमारी पेंटिंग अब तैयार हो चुकी है। मीनाकारी ग्लास पेंटिंग को एक अलग ही लुक दे देता है। होम डेकोर के लिए बहुत सुंदर आर्ट पीस है। आप इसे लुकिंग मिरर की तरह भी यूज कर सकते हैं। फ्रेम होने के बाद ये और भी सुंदर दिखता है। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए आर्ट फॉर्म के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहें।